जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है ये विश्व का कैसे सृष्टि हुआ था और लक्ष्मी नारायण का मतलब क्या है। श्री ठाकुर जी आलोचना के माध्यम से ऐसे बताए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं विश्व सत्ता में लक्ष्मी और नारायण दो अलग विपरीत सत्ता के हैं। नारायण जी है पॉजिटिव एनर्जी के और लक्ष्मी है नेगेटिव शक्ति के। अनंत शयन में नारायण जी सोए हुए हैं और लक्ष्मी माता उनके चर या चरण में सेवा में नियोजित है। तो नेगेटिव प्रकृति है चर और पॉजिटिव जो है वो स्थिर है। तो दोनों के मिलन से सृष्टि का उद्भव है। नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न है, वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा के मतलब है जिनके बुद्धि है और उद्दीप्ति है। सृष्टि का प्रथम प्रकाश भी वही ब्रह्मा जी के अंदर है। ब्रह्मा का अर्थात ब्रह्मा का मतलब है कि धीरे धीरे उनके से ये सृष्टि हुआ है जो कि ग्रह नक्षत्र पृथ्वी पहाड़ पेड़ मनुष्य ये सब। तो यही है नारायण और लक्ष्मी का कथा। विश्व सतार दुई विपरीत सत्ता लक्ष्मी एवं नारायण। नारायण पॉजिटिव शक्ति और लक्ष्मी नेगेटिव। तेणु कथित अच्छी अनंत सच्चारे साईत नारायण लक्ष्मी तांकर पद सेवा करुछंती। पाद हेउछि चरण। नेगेटिव प्रकृति चर आउ पॉजिटिव पुरुष स्थिर। दुईटी मिलनरे सृष्टिर उद्भव। नारायणक नाभि पद्मरु जात हेले ब्रह्मा से सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा माने जार बुद्धि अछि ओ दीप्ति अछि। सृष्टिर प्रथम प्रकाश सेई ब्रह्मांक मध्यरे। ब्रह्मा अर्थात विराट विस्तृति मध्यरे धीरे धीरे उद्भूत होई उठिला निहारिका ग्रह नक्षत्र पृथ्वी पहाड़ गच्छ मणिष गाई इत्यादि जा किछि सब। यही दिग दे देखिले नारायण और लक्ष्मी कथा समग्र सृष्टिधारा आदितम उत्सर ही कथा। जय गुरु।